बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इकरा हुफ्फा सेकेंडरी स्कूल्स, पेशावर जोन, जमात हफ्तम, मज़मून उर्दू में, सबक नंबर 3, नज़म नात का मुताला और उससे मुतल्लिक वर्कशीट का काम पिछली वीडियो में कराया गया है। आज की वीडियो में इस दर्स का हिस्सा 2, जिसमें सवालात जवाबात अशार की तशरीह का काम नोटबुक में कराया जाएगा। जी बच्चों, नज़म नात जिसके बारे में आपने पढ़ा कि नात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ को कहा जाता है। आपने ये भी पढ़ा कि नात के शायर का नाम इल्ताफ हुसैन हाली है और ये भी आप जान चुके हैं कि इस नज़म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत का ज़माना बयान किया गया है। आइए नोटबुक के काम की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, सबक नंबर 3, मश्क के सवालात व जवाबात। नमूने के तौर पर आपके सामने इकरा नोटबुक के सफ़ात मौजूद हैं। सबसे पहले आपने नोटबुक के दाएं और बाएं जानेब नंबर शुमार लाइन यानी मार्जिन लाइन लगानी है। उसके बाद आपने जिस दिन काम करना है उसकी तारीख लिखनी है, साथ ही अंग्रेज़ी और इस्लामी तारीख का ख्याल भी रखना है। मार्कर का इस्तेमाल करना है जहां आपको सवालात और हेडिंग के लिए ज़रूरत होगी, और जवाबात के लिए आप सादा इंक वाला पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास सवाल नंबर 1 है कि पहले बन में शायर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन खूबियों का जिक्र किया है। जवाब है कि पहले बन में शायर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बयान करते हुए कहते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुलिल आलमीन हैं, गरीबों की मुरादें पूरी करने वाले, मुसीबत के वक्त हर किसी के काम आने वाले, अपने पराए की फिक्र करने वाले और फ़कीरों यतीमों को पनाह देने वाले थे। सवाल नंबर 2 है कि मुसद्दस किसे कहते हैं। आपने पढ़ा था कि ऐसी नज़म जिसके 6 मिसरे हों, पहले 2 मिसरे हम काफिया और बन के आखिरी शेर का काफिया अलग हो, ऐसी नज़म मुसद्दस कहलाती है, यानी 6 मिसरों का होना ज़रूरी है। अगला है सवाल नंबर 3, नात का मरकज़ी ख्याल है। मरकज़ी ख्याल की हेडिंग लगाकर आपने लिखना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमतुलिल आलमीन बनकर आए, इसलिए हम पर लाजिम है कि हम उनके उस्वाए हसना की पैरवी करें, क्योंकि इसी से हम दीन व दुनिया में फलाह पा सकते हैं। अशार की तशरीह। जैसा कि पिछली नज़म में अशार की तशरीह का काम लिखवाया गया था, उसी तरीक़ार के मुताबिक नज़म नात में भी अशार की तशरीह का काम किया गया है। इसी नमूने के मुताबिक आपने अपनी नोटबुक में काम मुकम्मल करना है। आपके पास बंद नंबर 1 है, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलज्जा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। हवाले सुखन, नज़म का नाम, शायर का नाम, हले लुगत में अल्फाज के मानी और फिर तशरी। तमाम काम तरतीब से किया जाएगा। बच्चों, याद रहे कि नज़म के तमाम अशार पेंसिल से लिखे जाएंगे और जहाँ जहाँ मार्कर का इस्तेमाल हुआ है वहाँ आपने मार्कर ही इस्तेमाल करना है, और जहाँ पर इंक पेन का इस्तेमाल हुआ है वहाँ आपने इंक पेन ही इस्तेमाल करना है। बन नंबर 2 है, ख़ता कार से दरगुजर करने वाला, बद अंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का जेर व ज़बर करने वाला, कबाइल को शीर व शकर करने वाला,
उतर कर हेरा से सुए कोम आया, वो एक नुस्खा हकीमिया साथ लाया। हवाले सुखन में नज़म का नाम और शायर का नाम लिखते हुए हले लुगत में अल्फाज मानी लिखे जाएंगे और फिर आखिर में तशरीह का काम लिखा जाएगा। बन नंबर 3 है, मिस खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पर कर्णों का कर्णों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया, रहा डरना बेड़े को मोजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। बन को पेंसिल से लिखने के बाद हवाले सुखन में नज़म और शायर का नाम, हले लुगत अल्फाज के मानी और फिर उसके बाद तशरीह का काम इसी तरीक़ेकार के मुताबिक लिखा जाएगा। बच्चों, इस दर्स में यानी नज़म नात में आपने अशार का मफहूम सीखा, अल्फाज के मानी जाने, रोज़मर्रा के जुमलों को दुरुस्त किया, मुरक्कब इजाफी के अल्फाज को समझा और सवालों जवाबात मुकम्मल किए। उम्मीद है आपको दर्स की बखूबी समझ आई होगी। घर का काम आपके पास है कि आपने आज की वीडियो में कराया गया तमाम काम नोटबुक में मुकम्मल करना है और एक सफ़ा खुशखत लिखना है। बच्चों, सबक नंबर